हेलो फ्रेंड्स, डेजर्ट लिविंग एंड ऑल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वीडियो पे बात कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स खरीद के लेके आई हूँ। अभी मैंने प्लांट्स खरीदे हैं, शॉपिंग की थी इनकी। तो आज मैं अपने प्लांट्स की जो रेट है वो बताती हूँ। आप लोगों ने मेरा एक जो अभी एक नर्सरी का वीडियो था उसे बहुत पसंद किया है, और कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ व्यूवर्स हैं, वो जानना चाहते हैं इनकी प्राइस भी। तो मैं आज वही रिवील कर रही हूँ। और आप देखेंगे जो सबसे महंगा पौधा है ना मेरा, वो सिर्फ 100 रुपीज़ का है, और उससे सब नीचे ही है प्राइस में। तो बने रहिए आप मेरे साथ और हम शुरू करते हैं। गर्मियां तो हालांकि बहुत है, बट अब क्या करें, जो प्लांट लवर्स होते हैं वो अपने पौधों से दूर रह नहीं सकते। उनकी जो क्रेजीनेस होती है वो प्लांट्स ही होती है, तो वो नए नए पौधे खरीदते रहते हैं, और वही मैं भी करती रहती हूँ। तो आज मैं आपको इनकी प्राइस बता रही हूँ। ये बहुत ही रीज़नेबल रेट के हैं और बहुत ही सस्ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कौन कौन से पौधे ख़रीद के लाई हूँ पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। देखिए, मैंने इसमें ये मधुमालती है, मधुमालती के मैंने दो प्लांट खरीदे हैं, एक ये है और एक ये रहा। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये करी पत्ता ख़रीदा है मैंने। और फ्रेंड्स, मैंने देखिए देसी गुलाब, क्योंकि मेरी मम्मी को गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब और मोगरा। तो जितनी बार भी शॉपिंग होती है कोशिश यही की जाती है कि गुलाब और मोगरा ख़रीदा जाए, और देसी गुलाब ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने देसी गुलाब तीन ख़रीदे हैं, ये एक यहाँ पे, एक और एक यहाँ पे भी है, ये आप देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने तीन तो गुलाब ख़रीदे हैं, और तीन ही मोगरा ख़रीदा है। एक मोगरा ये रहा यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, और एक ये यहाँ, तीन मोगरे हैं। और एक मैंने विनका भी ख़रीदी है। इसके वहाँ तो मैंने यही देखा था, ये रेड है, लेकिन क्या कुछ अभी इनको नीचे छाया में रख रखा था, तो अभी इसकी पत्ती जो कलर है फ्लावर का वो अभी इतना रेड नहीं है, हालाँकि ये रेड वाली ख़रीदी है मैंने। और फ्रेंड्स, मैंने एक इस बार अमरूद का एक पौधा ख़रीदा है, जिसे मैंने रिपोर्ट कर लिया है। और मैंने इस तरह से रिपोर्ट क्यों किया है उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगी। ये एक मैंने अमरूद का ख़रीदा है प्लांट, और इसकी टिप्स मैंने कट कर दी है फ्रेंड्स यहाँ से। इनमें मैंने दोनों में यहाँ से टिप्स कट कर दी है। और मैंने नींबू का प्लांट ख़रीदा है फ्रेंड्स। हवा बहुत तेज़ चल रही है, कल का तो हाल मैं बता ही नहीं सकती, कल तो इतना तेज़ तूफान आया था। तो ये एक नींबू का है, और ये वो सदाबहार नींबू है। इसमें ये फ्रूट्स पे तो आप जाइए ही मत, इतने छोटे पौधे में फ्रूट्स गलत ही है। तो इन फ्रूट्स को तो मैं हटा दूँगी, ये नींबू को, क्योंकि ये कोई काम के नहीं है। और जो एक और पौधा मैंने ख़रीदा है फ्रेंड्स, वो मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक तेज पत्ते का प्लांट भी ख़रीदा है, जो हम जो घर में तेज पत्ता सब्जी बनाने में, छौंक लगाने में काम में लेते हैं, ये वही तेज पत्ता है जो गरम मसालों के रूप में हम काम में लेते हैं, तेज पत्ता। और फ्रेंड्स, मैंने एक और ऐसा पौधा ख़रीदा है जो हमारे यहाँ बीकानेर में तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मुझे मिल गया है। तो ये है पान का प्लांट, पान की बेल मैंने ख़रीदी है, और इसे मैंने रिपोर्ट कर लिया है। तो मैं अब इन सब की आपको प्राइस बता देती हूँ। जो ये देसी गुलाब आप देख रहे हैं, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने तीन देसी गुलाब ख़रीदे हैं, और एक गुलाब मुझे 20 रुपये का पड़ा है, तो तीनों 60 रुपये के हुए। और मधुमालती जो है, मधुमालती 30 रुपये की एक है, तो मैंने ये जो दो ली 60 रुपये की।
और विनका है 20 रुपये की। विनका जो ये सदाबहार का है, ये 20 रुपये का प्लांट मैंने ख़रीदा है। और ये मोगरे के, और फ्रेंड्स मोगरा मुझे 20-20 रुपये में मिला है, जो क्योंकि ये छोटे हैं तो मैंने अभी 20-20 रुपये में मुझे मिल गए हैं। तो देखिए ये तीनों 60 रुपये के मोगरा। और ये जो करी पत्ता है, करी पत्ता की रेट जी फ्रेंड्स, मीठा नीम मुझे 30 रुपये का पड़ा है, जो कि काफ़ी ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी एक मतलब प्राइवेट नर्सरी से ख़रीद के लाई थी 50 रुपये में, पर वो पौधा भी नहीं चला और ख़त्म हो गया, लेकिन ये 30 रुपये में बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स अमरूद की रेट है 80 रुपये, ये मुझे 80 रुपये में मिला है अमरूद, जो काफ़ी ठीक है क्योंकि प्लांट बहुत हेल्दी है। और नींबू जो ये सदाबहार नींबू है, वो ये जो सदाबहार नींबू है ये मुझे 60 रुपये में मिला है। और फ्रेंड्स ये जो पान की बेल है, ये मुझे मात्र 80 रुपये में मिली है, मात्र 80 रुपये में ये पान की बेल मिली है। और ये जो सबसे महंगा जो मैं बता रही थी आपको कि इन सभी प्लांट्स में सबसे महंगा मेरा पौधा कौन सा है, तो वो ये तेज पत्ते का है। ये तेज पत्ते का जो 100 रुपये का है, इससे ऊपर एक भी प्लांट नहीं है। और देखिए ये कितने मतलब अभी ये प्राइवेट नर्सरी, हालांकि मैं प्राइवेट नर्सरी से लेके आई हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास के एरिया की नर्सरी है वहाँ पे कुछ इनमें से कुछ पौधे तो मिलते नहीं हैं, और दूसरे जो मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा रेट करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सबसे महंगा है वो तेज पत्ता है, और वो ही 100 रुपीज़ का है। फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इन बैग्स में इनको क्यों लगाया है, इन प्लांट्स को मैंने, तो मैं इसलिए, देखिए ये आटे की थैलियां हैं और इनको मैंने उल्टा करके और इनको छोटे छोटे बैग बना करके मैंने इनमें लगा दिया है। एक तो ये कैरी करने में बहुत आसानी से कैरी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए मैंने सारे पौधे अपने टेरेस पे लगा रखे हैं, तो टेरेस पे बहुत ही ज़्यादा धूप आती है, तो इनको एक तो कैरी करने में, क्योंकि इनको नीचे रख रखा है मैंने अभी तो मैं ऊपर लेके आई हूँ इनको, बट मैं इनको नीचे आराम से रख सकती हूँ। और दूसरा, क्योंकि आप जितना बड़ा पॉट पहले से ही अगर प्लांट के लिए ले लेंगे तो आपको फिर वो, क्योंकि प्लांट पहले क्या करता है, पहले अपने जो मिट्टी में जड़ें बनाने लगता है, और जड़ें बनाने में ही सारा टाइम चला जाता है। तो आप छोटे पॉट अगर यूज़ करें, जैसे इस तरह से छोटे बैग आप ले लेंगे और इन छोटे बैग्स में आप इनको ग्रो करेंगे, तो पहले ये पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी, क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी। क्योंकि बड़ा पॉट ले लेते हैं, तो अब हम देखते हैं बड़ा पॉट ले लिया तो उसमें ग्रोथ तो हो नहीं रही है, प्लांट की ग्रोथ हमें दिख नहीं रही, क्योंकि ग्रोथ हो रही है जड़ों की, रूट्स ग्रोथ कर रही हैं। तो इसीलिए छोटे ये पॉली बैग होते हैं, ये बहुत ही मजबूत होते हैं, और ये बहुत आसानी से, अगर इनको आप साल भर भी अगर चेंज नहीं करेंगे ना, तो ये इनको कुछ नहीं होने वाला, आप इन्हें धूप में भी रख सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे बैग्स हैं जो अपने धूप में ही रख रखे हैं। तो इस तरीके से, और जब आप ये जब प्लांट बड़ा होने लग जाए, तो आप इनको बड़े गमले में अगर प्रीपोर्ट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से, क्योंकि इनको कट किया और आप इनको सीधा उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं इनको इसके अंदर इन पॉली बैग्स में रखती हूँ। और फ्रेंड्स जो ये सारे पौधे मैंने, जो ये सारे प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं, ये टोटल इनका सब टोटल तो 470 हुआ था, बट उन्होंने 450 ही लगाए हैं और मुझे 450 में ही ये दिए हैं। तो मैंने आज आपको इन प्लांट्स की रेट भी बता दी, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और इनको अब जैसे धीरे धीरे, क्योंकि गर्मियां बहुत तेज़ हैं, तो अभी इनको रिपोर्ट करने में थोड़ा टाइम ले रही हूँ, दो दो प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ, ताकि एक ये एडजस्ट भी हो जाए। और अभी फ़िलहाल इनको शेड में ही रख रहे हैं, मुश्किल से जैसे दिन की सुबह सुबह की एक दो घंटे की धूप में ही रखते हैं, क्योंकि अभी गर्मियां बहुत तेज हैं, तो ये सर्वाइव करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नर्सरी में तो आपको पता है ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत अच्छे से वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं, बट घरों में और हम जैसे जिस जगह लगाते हैं वहाँ एडजस्ट करना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिले। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।